नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के टीडीआई स्थित शहीद मेजर आशीष के घर के बाहर से, जहां पर आपको बता दें कि आज शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुज्जर परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुज्जर से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वो जहां तक हो सके परिवार वालों की मदद करेंगे, साथ ही परिवार वालों के साथ सरकार हमेशा खड़ी मिलेगी। प्रदेश में कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और हम उनकी स्वागत को उनके चरणों में नमन करते हैं और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि परिवार के साथ है, पूरा प्रदेश परिवार के साथ है, सरकार परिवार के साथ। निश्चित तौर से जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो अब ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि परिवार के साथ उनकी जो भी मदद है उसको निश्चित तौर से करेंगे और उनकी शहादत पर पूरे देश को गौरव है कि हम देश के लिए अपने प्राणों की आहुति सर सरकार की तरफ से कोई सहायता दी जाएगी? हाँ बिल्कुल, जो निश्चित है वो कल माननीय मुख्यमंत्री जाए तो हम सारी बात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद मेजर आशीष के पानीपत स्थित आवास पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार का ढांढस बढ़ाया और कहा कि परिवार को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, साथ ही शहीद मेजर की पत्नी को योग्यता के अनुसार नौकरी भी दी जाएगी। मेजर आशीष बहुत एक जैसे परिवार में आकर के पता लगा कि होनहार नौजवान और वो मेजर रैंक पर पहुंच गया, 11 साल की उसकी सर्विस और शहीद हुआ है, देश पर बलिदानी दी है, उनके नाम को अमर रखने के लिए सारा समाज और सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयत्न करेंगे कि उनका नाम अमर रहे। परिवार के साथ अनुभूति है क्योंकि बड़ा जो एक विषम परिस्थिति ये है परिवार की कि अकेले भाई थे, तीन उनकी बहनें और उनकी पत्नी और उनकी वही आगे बेटी है, उस नाते से जो एक सरकारी सिस्टम है उसमें जो भी अधिकतम सहयोग सहायता हो सकती है वो करेंगे। 50 लाख रुपये की राशि ये नकद दी जाती है, उनकी पत्नी को योग्यता के हिसाब से वो नौकरी भी मिलेगी और उनके नाम को अमर रखने के लिए और जो परिवार की ओर से अपेक्षा की जाएगी उसमें पूरा करेंगे। एक प्रस्ताव भी दिया, वो क्या प्रस्ताव, क्या क्या? अभी वही है कि उनके नाम को अमर रखने के लिए कुछ काम किए जाए, खास करके गाँव में पार्क है उसकी प्रतिमा लगे, फिर किसी न किसी और संस्थान का या बाकी जगह कोई ऐसा नाम जो उनका नाम अमर रहे, विचार करेंगे। मुख्य द्वार भी बनाया जाए, एक विचार करेंगे कौन कौन सी चीजें होंगी जो संभव होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर आशीष ने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, दुख की इस घड़ी में सरकार परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि मेजर आशीष का नाम अमर रखने के लिए कार्य किया जाएगा। फिलहाल जो है आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं टीडीआई स्थित शहीद मेजर आशीष के घर के बाहर से, जहां पर पूरा परिवार मौजूद है और परिवार वालों का ढांढस बढ़ाने के लिए आज शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुज्जर भी उनके बीच पहुंचे और इस मौके पर देखा गया कि ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा भी उनके साथ मौजूद रहे। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।